यह चंद्रमा ऋषि का स्थान बहुत पावन स्थान माना गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आजमगढ़ शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर चंद्रमा ऋषि आश्रम आए हैं। ये एक धार्मिक स्थल भी है और ये यहाँ लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। तो ये तमसा नदी और सिलनी नदी के तट पर बना हुआ है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कैसा है ये। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय। ओम जगेन जिज्ञम हजंत देवास्थान धर्मा प्रतमान्य शन्य तेहनाक महिमान सजंत त्रिपुरवेशाध्या शंति देवा। आजमगढ़ जनपद के चंद्रमा ऋषि दत्तात्रेय दुर्वासा माता अनुसुईया के 3 पुत्र जिन्होंने इस तपस्थली पर तीनों जगह संगम मिलेगा आपको और तीनों जगह तपस्थली है और तीनों चंद्रमा मुनि दत्तात्रेय दुर्वासा तीनों लोग तप किए हैं। यही तपस्थली है जिसे दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा मुनि के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रमा ऋषि का स्थान बहुत पावन स्थान माना गया है और यहाँ किसी प्रकार की पूजा तप होता है वो बहुत सफलदायक होता है। यहाँ के महंत बम गिरी जी हैं। यहाँ पे तमसा सिलनी आशील उस सिलनी का बिगड़ा हुआ नाम है, उसका नाम सीलवंती था। सीलवंती और तमसा का यह संगम क्षेत्र है। यहाँ पे अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं। जो भी यहाँ स्नान करता है उसका हर कार्य हर मनोरथ पूर्ण होते हैं और किसी प्रकार की समस्या लेकर अगर कोई यहाँ आता है तो उसकी मनोरथ यहाँ पूर्ण होती है, उसके समस्या का निदान होता है, सभी समस्याएं दूर होती हैं। मन में किसी प्रकार की कामना लेके आते हैं। यहाँ पे संगम और शिव जी का स्थान पीपल का वृक्ष, इस प्रांगण में किसी प्रकार की पूजा अगर संपन्न कराई जाती हो, चाहे वह पितरों की पूजा हो चाहे ग्रहों की पूजा हो
चाहे किसी प्रकार की पूजा संपादित यहाँ होती हो, वह सभी पूजा सफल होती है और मानव जीवन जो पूजा कराता है उसका जो जीवन सफल होता है। बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। धन्यवाद। Woo!